हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक और एकदम नया क्राफ्ट लेके आई हूँ। और वो क्राफ्ट है, मेरे पास काफ़ी टाइम से पुराने पेन रखे हुए थे, तब नहीं थी मेरे पास ग्लू गन। अभी ग्लू गन भी आ चुकी है और मेरे माइंड में आइडिया भी आ गया कि मैं पेन से ये चीज़ बनाऊँगी। तो वो मैं बनाऊँगी रामदेव जी का घोड़ा, क्योंकि अभी मेला आने वाला है और सब ये हम शुभ मानते हैं कि रामदेव का घोड़ा घर पे लाते। तो मैं बाहर से नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं खुद ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बनाऊँ, घर पर शुभ काम भी हो जाएगा और जो मेरी आस्था है भगवान के अंदर वो भी पूरी हो जाएगी और मैं मेरी मेहनत से बनाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बनाऊँगी। चलते ट्राई करते हैं। मैंने बस पिक्चर देखी कि घोड़ा कैसे बनता है और पेन से मैंने कहीं नहीं देखा है, मैं खुद ही बना रही। टाइम तो लगेगा, मुझे पता है कि कुछ चीज़ नहीं करते हम उसमें टाइम लगता है। सबसे पहले हम सारे पेन्स की रिफल निकाल लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखते, ट्राई करेंगे तभी कुछ नया सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेस बनाने के लिए रिफल और पेन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर थोड़ा पेन बड़ा था, फिर मैंने इसको कट किया है। फिर यहाँ पर मैं दो रिफिल ले रखी है, उससे हम लेग्स बनाएंगे। तो पहले फोल्ड करके और इसको अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये हिले नहीं, और आगे और पीछे के दोनों तरफ के लेग्स बना लेंगे। ये तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखना होगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और कहीं पर भी नहीं देखा, तो कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो बस जैसे जैसे दिमाग चल रहा है वैसे वैसे मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पर इसका हेड बनाएंगे हम, जो आप लोग देख सकते हो। मैंने बस ट्राई किया है कि कैसे कैसे लग सकता है। तो पहले तो हम इसको पैन में डाल देंगे एक रिफिल को फोल्ड करके, ताकि ये थोड़ी नेक बने, और फिर हेड बनाएंगे इसका। तो इसको चिपका लेंगे, इसमें भी रिफल ही लगाएंगे, क्योंकि आप अगर वायर भी लगा सकते हो अगर आपके पास हो तो, लेकिन मैं यहाँ पर रिफिल लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास पेन भी थे और फिर वायर भी नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना पेन का यूज़ करके बना लें। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुई। अभी हम पुराना धागा लेंगे, जो ये मेरे पास पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो हम इसका यूज़ करेंगे और इसके चारों तरफ लपेट देंगे और अच्छे से गांठ लगा लेंगे और फिर लपेट देंगे। ये तो हुआ हेड बनके रेडी। इसको अच्छे से चिपका लेंगे और ऐसे लेग्स पर भी लगाएंगे हम। पूरे को कवर कर लेंगे ऐसे धागे से। आप लोग भी बना सकते हो अगर बनाओ तो। मैंने तो बना लिया है घर पर, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा था कि बहुत से मिलते हैं और मेले में तो हद से ज़्यादा मिलते हैं। मैंने सोचा था कि ले आऊँ, फिर मम्मी बोलती है कि घर पर कोई बच्चा भी नहीं है तो क्यों लेके आए। फिर मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही बना ले। तो मैं यहाँ पर धागे के बाद फोम का यूज़ करूँगी जो कपड़े में निकलती है। तो धागे के बाद हम फोम को अच्छे से चिपकाएंगे इसकी तरफ, इस पर, क्योंकि ये मोटा होना चाहिए और ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है और हल्की भी होती है, तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। तो जैसे हमने धागे को चिपकाया है वैसे ही हम इसको चिपका लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। मैंने बाहर से कोई भी नहीं सामान लेके आई हूँ, मैं बस घर पर जो सामान है उसी से बनाऊँगी मैं, ताकि अगर आप लोग बना सको घर पर तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि घर पर ही है मटेरियल सारा। आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है ना, अजीब सा ही। अभी आप कुछ भी समझो, कुछ भी समझ लो कि क्या है ये क्या नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं घोड़ा, हॉर्स बना रहे हैं, तो वो तो बना के ही रहेंगे। अच्छे से चिपका लेंगे आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट भी थोड़ा मोटा करेंगे। और यहाँ पर फिर मैं कॉटन का यूज़ करूँगी, क्योंकि जो हमारा जो ये फॉर्म से बनाया था उससे थोड़ी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो कॉटन से फिनिशिंग आ जाएगी। और पूरे पर अच्छे से लपेट देंगे, लेकिन थोड़ा देख कर कि जहाँ पर जगह कम है वहीं पर चिपकाएंगे, अच्छे से चिपका लें। अभी कैसा लग रहा है, भेड़ जैसा लग रहा है क्या?
बनने के बाद पता चलेगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे देखते जाओ आप। तो यह तो बन के रेडी है, अभी हम चिपकाएंगे इस पे कपड़ा, क्योंकि कपड़े का घोड़ा बना रहे हैं और रामदेव जी का घोड़ा कपड़े का ही मिलता है। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर का कपड़ा लूँगी, और ये प्योर ब्लू भी नहीं है, थोड़ा अलग ही है। और फिर मेरे पास यही था, मैंने सोचा यही चिपका लें। तो हम पहले मिडल पार्ट से स्टार्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसको चिपका लेंगे, थोड़ा टाइट करके चिपकाएंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे फुसफुस जैसा ना लगे, अच्छे से बन जाए। अगर कोई बच्चा भी हाथ में ले या फिर कोई बड़ा भी हाथ में ले तो ऐसे ना लगे कि क्या बनाए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पूरे को कपड़े से कवर कर लेंगे और मैं यहाँ पर थोड़ी स्टिचिंग भी करूँगी, क्योंकि ग्लू से ठीक से चिपक नहीं पाता, जैसे हम हाथ से फिनिशिंग लाते हैं वैसे ग्लू से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से अच्छे से चिपकाऊँगी ताकि हिले नहीं, कहीं भी ना जाए। तो ये थोड़ा हेड वाला पार्ट है वो थोड़ा मुझसे नहीं बना ठीक से, लेकिन कोशिश जारी है, अच्छे से बनाएंगे हम। तो ये तो हुआ, अभी जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी कवर कर लेंगे, पहले सेट करेंगे अच्छे से। और ये तो हो गया रेडी, अभी हम इसको और अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर लेस और कपड़े का यूज़ करूँगी। तो उससे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर इसके कान और पूंछ लगाएंगे। तो इसमें भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ फॉर्म का और कपड़े का, लेकिन ये मुझसे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। वही बात है, जो फर्स्ट टाइम ट्राई करते तब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, और फिर बनने के बाद पता चलता है कि हाँ ये मिस्टेक किए हमने, तो वो मैंने ठीक कर लिए, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने बना ली इसकी टैल, और इसको भी चिपका लेंगे। पहले हम देख लेंगे कितने लेंथ रखनी है हमें, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके और इसकी टैल बना लेंगे। ये तो बन गई इसकी पूँछ, अब इसकी ईयर बनाने, ये भी मैंने बना ली, ये मैंने थोड़े से बड़े कर दिए, लेकिन मैं बाद में कट करूँगी इसको। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर लेस, तो मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की लेस लूँगी ताकि अच्छा सा लुक आए, क्योंकि हमने देखा है कि रामदेव जी घोड़ा मिलता है उस पर लेस लगी होती है अच्छी वाली कलरफुल, तो मैंने भी यहाँ पर यूज़ किया है। तो ब्लू कलर पर मुझे ये सिल्वर ज़्यादा बेटर लगी, तो मैंने ये वाली लेस ली है, और अच्छे से चिपका लेंगे। और आप लोग देख लेना जहाँ पर हमने स्टिचिंग की वो वाला पार्ट छुप जाएगा, कहीं पर भी नहीं दिखेगा। वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। ये तो हो गया लेस वाला काम कंप्लीट, पैर पर भी चिपका लेंगे, अच्छा लुक आएगा थोड़ा। और ये तो हो गया रेडी, अभी हम इसकी लगाएंगे सीट, तो वो मैं लूँगी रेड कलर की, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मखमल का है। तो मैं यहाँ पर इसकी सीट बनाऊँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे और इसको भी चिपका लेंगे, अच्छा लग रहा है ना। और मैं यहाँ पर आँख बना रही थी लेकिन मुझे मोती नहीं मिले, तो फिर मैंने यहाँ पर कलर से ही बनाई है आँख, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और फिर मैं रात को बना रही हूँ, फिर लेट भी हो गया, मम्मी बोल रही है सो जा कितना टाइम लेगी, फिर मैंने जल्दी से रख दिया है, बस बना कर कम्प्लीट हो गया। बस मैंने बाबा का नाम लिया कि बाबा प्लीज़ अच्छे से बन जाना और व्यूज भी अच्छे आना। तो ये बन के रेडी है, तो कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और मेरी मेहनत पर एक लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।